We all welcome you in India's best learning platform Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today is International Day for Tolerance. I hope you all are doing well. So, without doing any further delay, let's jump into the video. Students, International Day for Tolerance is celebrated every year on 16 November, and एज द थीम सजेस्ट एंड एज द नेम सजेस्ट कि ये एक ऐसा दिन है जो टॉलरेंस का दिन है जिसमें सब लोग नॉन वायलेंस के वेज अपनाते हैं और शांति से अहिंसा से और दूसरे के जो भी वेज हैं जो भी तौर तरीके हैं उन्हें अपनाते हैं और कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं और इसीलिए इसकी जो थीम है वो भी कॉमन है जो हर साल कॉमन थीम मनाई जाती है एंड बेसिकली इस डे को इसलिए मनाया जाता है कि जिससे कि हम अलग अलग कल्चर्स को समझ सके उनकी रिस्पेक्ट कर सके और उनको टॉलरेट कर सके क्योंकि आपको पता है कि आजकल के टाइम में एवरी पर्सन इज़ लाइक कि वो सुपीरियर है और उनका कल्चर सुपीरियर है या फिर उनके वेज हैं वो सुपीरियर है दैट्स वाइज दूसरों के कल्चर्स को दूसरों के वे ऑफ एक्सप्रेशन को दूसरों की लैंग्वेज को उनके तौर तरीक़े को उनके खाने पीने के तरीक़े को समझने के लिए और उनको रिस्पेक्ट करने के लिए ये इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाया जाता है एंड नॉट ओनली कि हमें बस इंडिया के ही रिस्पेक्ट में बात हो रही है पूरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है क्योंकि जैसे अगर कोई फॉरेनर भी इंडिया आता है तो हम उसे एक अलग ट्रीट करते हैं क्यों क्योंकि उसका रहना उसका उसके कपड़े उसकी लैंग्वेज उसकी खाना पीना ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा अलग है तो हम उसे अपने से अलग ट्रीट करते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा एलिनेटेड फील होता है और एक अलग कंट्री के लिए उसे हेटरेट पैदा होती है दैट्स वे हमें दूसरों की जो चीज़ें हैं उन्हें अपनाना है उसके कल्चर को उनके ड्रेसिंग सेंस को उसके वे ऑफ एक्सप्रेशन को टॉकिंग को हमें समझना है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं क्योंकि कल्चर्स अलग अलग हैं ट्रेडिशंस अलग अलग हैं कस्टम्स अलग अलग हैं बट जो फीलिंग है वननेस की वो हमेशा एक ही है और इसीलिए इसकी जो थीम है वो है टॉलरेंस इज़ रिस्पेक्ट एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन ऑफ द रिच डाइवर्सिटी ऑफ आर वर्ल्ड्स कल्चर्स फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड वेज़ ऑफ़ बींग्यूमन दिस इज़ द थीम जो कि हर साल मनाई जाती है कॉमन थीम सेलिब्रेट करी जाती है एंड ये ही चीज़ में अभी तक आपको समझा रही थी कि हमें एक्सेप्ट करनी है दूसरों के कल्चर्स को उनके रिस्पेक्ट करनी है सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री कि ये डे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है सिक्सटीन नवम्बर को उसके पीछे का बैकडाउन किया है तो नाइनटीन नाइन्टी थ्री में जो यूनेस्को है उन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि ईयर ऑफ टॉलरेंस मनाएंगे और उन्होंने देखा कि नाइनटीन नाइन्टी फाइव एज अ ईयर फॉर टॉलरेंस उन्होंने पूरे साल को तो ऑब्जर्व किया देन यूनाइटेड नेशन ने 1995 वाले ईयर को ईयर फॉर टॉलरेंस डिक्लेयर कर दिया एंड इसके यही प्रिंसिपल्स थे टॉलरेंस एज रिस्पेक्ट एक्सेप्टेंस एंड अप्रिसिएशन ऑफ द रिच डाइवर्सिटी ऑफ आर वर्ल्ड्स कल्चर्स आर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड आर वेज ऑफ बींगूमन ये ही उसके सारे उस टाइम पे जो थे वो डिक्लेरेशन के प्रिंसिपल्स थे यही इसकी थीम है जो आज तक मनाई जाती है और यही मेन मोटिव है जो आप सब लोगों को भी फॉलो करना है एंड जब से अब तक जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है वो हर साल इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस सेलिब्रेट करते आई हैं एंड 1996 में जाके उन्होंने ये डिसाइड किया था कि सिक्सटीन नवंबर को हम इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस रखेंगे जबकि उन्होंने 1995 वाले ईयर पूरे ईयर को बोला कि ये ये है कि ईयर फॉर टॉलरेंस है बट डेट उन्होंने नेक्स्ट ईयर डिसाइड करी है ओके एंड फॉर दिस यूनेस्को ने प्राइज भी रखा है जिसका नाम है द यूनेस्को मदन जीत सिंह प्राइज एंड ये इनका एम यही है कि टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस को प्रमोट करना है और प्राइज उसी को मिलेगा जो किसी भी सिग्ग्निफिकेंट कि वे से अपनी किसी भी एक्टिविटीज से टॉलरेंस को और नॉन वायलेंस को प्रमोट करेंगे लाइक like कि वो किसी आर्टिस्टिक वे से प्रमोट कर सकते हैं पेंटिंग कर सकते हैं उसके ऊपर पोम लिख सकते हैं कुछ भी लाइक इमेज काइंड ऑफ दिखा सकते हैं या फिर कोई होता नहीं कि लाइक सीरियस ड्रामा उसके सॉन्ग्स या फिर किसी साइंटिफिक वे में अगर आपको किसी भी कल्चर uh, की किसी भी कस्टम की किसी भी वेज ऑफ एक्सप्रेशन के जो ह्यूमंस के अलग अलग होते हैं वो कुछ पोर्ट्रेट करना है तो आप वो कर सकते हैं तो उसी को ये प्राइज़ मिलेगा एंड इन सब का एम भी है कि जो टॉलरेंस और नॉन वायलेंस की स्पिरिट है वो सभी ह्यूमन बींग में अच्छे से यू नो स्प्रेड हो जाए क्योंकि क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर लाइक होता है ना पॉलिटिकल पावर या फिर जो फ़ोर्स से चीज़ करवाई जा सकती है कहीं यहीं पे होता है कि वो चीज़ नहीं वैलिड होती लाइक like, आप अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी देखें आप वहाँ पे कितने भी डिप्लोमेटिक एक्ट कर लें आप वहाँ पर डायलॉग्स कर लें बट कल्चरल का ऐसे जब तक नहीं होगा तब तक वहाँ के जो नॉर्थ ईस्टर्न के जो लोग हैं वो हमें अपना पार्ट नहीं मानेंगे क्यों क्योंकि वो खुद भी कहते हैं कि हम इंडिया से अलग है वी आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया एंड हम कहते हैं कि वो इंडिया का ही पार्ट है तो कल्चरल एसिमिलेशन ही एक उन... सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि हम उस तक पहुंच सकते हैं उनके लेवल तक पहुंच सकते हैं जिससे कि वो अपने आप को हमारे में इंटीग्रेट करवाने के लिए एग्री हो जाए और हमने भी क्या किया हमने भी उनके कल्चर्स को उनके ट्रेडिशन को उसके कस्टम को उनके डांस को या फिर जो भी उनकी चीज़ें होती हैं उन सबको एक्सेप्ट किया उसकी रिस्पेक्ट करी दैट्स वाय तभी ये पॉसिबल हो पाया तभी जो टॉलरेंस और नॉन वायलेंस है वो आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की हो चुकी है आई होप अभी तक जो लेसन है वो आपको समझ आया हो एंड आप उसे अपनी लाइफ में भी पोर्ट्रेट करेंगे तो हम अपना सेशन यहीं तक रखते हैं थैंक यू एंड नाइस डे डेड डू योर बेस्ट स्टडी एंड स्टे यून फॉर द नेक्स्ट अपडेट